आपको नीचे पहुंचाना है और मोदी जी के संदेश को लेकर जाना है। मित्रों, 10 साल पहले यूपीए की सरकार थी और देश के भविष्य को अंधकार करकर सोनिया मनमोहन ने रख दिया था। 2014 में देश और राजस्थान की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया और 10 साल में मोदी जी ने देश के अंदर हर क्षेत्र में परिवर्तन लाने का काम किया है। देश के 60 करोड़ गरीबों को मोदी जी ने पहली बार, दिल्ली की सरकार गरीबों की सरकार होती है इसका विश्वास दिलाने का काम किया है। 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। 12 करोड़ शौचालय देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को, माताओं बहनों को उज्ज्वला का गैस का कनेक्शन देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा मुफ्त में देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। 80 करोड़ लोग आज मोदी जी को मन से दुआएं देते हैं, वो मोदी जी की फौज बनकर, सेना बनकर कांग्रेस पे कहर बरपाने के लिए तैयार खड़े। आपका दायित्व है, मेरा दायित्व है कि 80 करोड़ लोगों को घर पे जाकर ये सारी चीजें बताकर उसको मतदान मथक तक लाने का काम किया। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम, कांग्रेस के जमाने में 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी, आए दिन बम धमाके होते थे, ये पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आकर बम धमाके कर भाग जाते थे, कोई ठोर ठिकाना नहीं था। मोदी जी आए, ये पाकिस्तान के आतंकवादियों को लगा आप भी कर सकते हैं, गलती कर दी, उरी और पुलवामा में बम धमाके करे, हमारे सेना और सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया। उनको मालूम नहीं था ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया।